अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, हमेशा खुश रहो। मैं हूँ आपका बहुत ही प्यारा दोस्त बख्तुल्ला खान। आज का हमारा व्लॉग है टनोलियार से चंबड़ का। आज के इस व्लॉग के अंदर मेरे साथी है उस्ताद साजिद, और उसके साथ है सईद अकबर पठान, और एक है सरफराज। एक दोस्त से मिलने जा रहे हैं, उसकी दावत है, वो दावत खाने जाना है हमें। हमारी एक कार जो है आगे जा रही है, सफ़र हमारा स्टार्ट हो चुका है, और पेट्रोल तो हमने खैर हमारा इतना है कि हम यहाँ से चंबड़ जा सकते हैं, वापसी आ भी सकते हैं और हैदराबाद भी जा सकते हैं। पेट्रोल अभी खैर महंगा हो गया है, इस वजह से जो है हम ज़्यादा नहीं डलवाएंगे, गरीब लोग हैं हम भी भाई, हमारे पास भी इतने पैसे नहीं है कि हम पेट्रोल ज़्यादा डलवाएं ना, तो जितना है हमने उतना का पेट्रोल डलवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आपको एक्सीडेंट करना हो तो इस तरफ ऐसे ही है ना। और सुनाओ मेरे दोस्तों, आप दोनों पीछे बैठे हो, खामोश बैठे हो। मुझे ये है कि खामोश नहीं है, तो लोग हमें कहते हैं कि हम खामोश तबीयत हैं, एतराजन कहते हैं हमें ना, वैसे हम खामोश हैं। तंजिया, अच्छा तंजिया कहते हैं, एतराजन या तंजिया, तो खामोश हम हैं नहीं हैं, तो हम बड़े बकचोद आदमी का मकसद ये कि ड्राइविंग पे फोकस इसलिए रखना चाहिए कि हमारे यहाँ ना डबल सवारी ज्यादा, जब एसी ये देखो ये डबल सवारी होता है ना, माँ से या बाप से ले दे के 9-2-11 तीसरे में दो चौथे में गुम कोई वाली गाड़ी ले लेता है, अपनी बेगम बिठा लेता है, दो एक भी नहीं, दो कुरंगी का शपाटर जाते हैं और ले दे के घूम फिर के गाड़ी वालों के सामने। और रही बात उस्ताद की कि ड्राइविंग सिखाने की, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक स्टेरिंग पर बैठे हैं नहीं। अपने दोस्त को कॉल कर रहे हैं कि वो कहाँ पर है, जिससे हमें मिलने जाना और जिसकी हमें दावत खानी है, तो उससे हम अभी मिलने जा रहे हैं। तो उससे हम पूछते हैं कि वो कहाँ पर हमें मिलेंगे और कहाँ पर रखी है आज की उसने दावत, देखते हैं कि कहाँ पर रखी है दावत। दावत तो हमें खानी है, हम जाना है, जब बुलाया है तो हमारी एक गाड़ी तो पहुँच चुकी है चंबड़, लेकिन अभी दूसरी गाड़ी भी पहुँचने वाली है। ये देख सकते हो चंबड़ है, ये शेर है इसका, छोटा सा शेर का शेर है ये है जी, चंबड़ का एक छोटा सा शेर। ये सामने पेट्रोल पंप है, यहाँ पर ये चंबड़ का शेर है। थोड़ा जंप आ गया, थोड़ा गाड़ी को सही करके चढ़ाते हैं। ले जी जनाब, तो हो गया इसी के साथ जो है, अभी हम चंबड़ पहुँच चुके हैं चंबड़ शेर। हमारे दोस्त जो आगे जा चुके थे उनको हमने अभी काले किए, लेकिन वो अटेंड नहीं कर रहे हैं, और जिसकी हमें दावत खानी है वो लोग भी काल नहीं उठा रहे हैं। अब कुछ लग रहा नहीं है ऐसा कि दावत है कि नहीं है। उस्ताद क्या कहते हो आप? मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, देखते हैं कि आगे। अभी एक दोस्त के पास जाएं, उससे हम पूछते हैं कि हमें जिस बंदे ने दावत दी थी हम उसके पास जा रहे हैं, तो उससे मिले। सामने इनकी दुकान है, गाला पठान इनका नाम है। ये बैठे हुए तो खैर नहीं है, लेकिन देखेंगे कहाँ पर है वो। हमें एक बंदे का वेट करना था, उसको भी हमने कॉल की है, लेकिन वो अभी कह रहे हैं कि मैं 5 मिनट में आता हूँ, अभी हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। ये उनकी शॉप है, ये सामने लिखा हुआ है गाला पठान, तो वेट तो कर रहे हैं। रईस बैठे हैं हमारे, ये पीछे दो रईस भी बैठे हुए हैं नवाबों की तरह, तो हम बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। वो भाई आते हैं तो हम उनसे मिलते हैं, फिर वो हमें बताते हैं कि जिस दोस्त ने हमें दावत पे बुलाया था वो कहाँ पर है। बाकी दोस्त को तो कॉल कर दो, कहाँ पर है वो, कहीं वहाँ पर सुनी चले गए टन लिया, वो शायद भूख लग रही होगी ज़्यादा। आ जाओ जल्दी भाई आ जाओ। तो अभी हम अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं थे, सॉरी हम अपने दोस्त से मिलने जा रहे थे, तो वो दोस्त जो है हमारा अभी हमारे को मिल चुका है, और हमारे साथ ही बैठा हुआ है सजाद, बड़ा ही नाम है सजाद भाई। दो खबर आपने हमारी दावत कहाँ रखी है, ये कौन सी बात हुई भाई? तो आपको दावत का बोला कि आपने हमारे ये जो दावत की थी वो कहाँ रखी है? उस्ताद ये क्या सीन कर रहा है भाई? हम इतनी दूर से आए और टनोलियार से चंबड़ आया, मैंने सोचा हमारे पास ने दावत की, दावत में बुलाया, लेकिन अभी तो इनकार कर रहा दावत से। आप लोगों के साथ प्रैंक हो गया, हम इसको उठाने आए थे इसी तरह ही यार आने जा रहे थे, तो आप उठाना है इसको, ले आई घर छोड़ गए इसमें, बस ये सीन था और कोई सीन नहीं था। दावत कैंसिल भाई, दावत कैंसिल। तो इसी के साथ जो है हम अपना वापसी का रुख करते हैं अपनी टनोलियार की तरफ, वहां पर आप जिसको गाला भाई है रहे, ये रे गाले भाई, ये मैच का बोल रहे हैं हमें, लेकिन हम मैच नहीं खेलेंगे। तो अभी हम चंबड़ से वापसी जा रहे हैं अपने शेर टनोलियार की तरफ। हमारे दोस्त जो थे हमारे साथ आए थे, उनको पता चल गया था कि आज की दावत कैंसिल है, इस वजह से जो है वो वापसी निकल गए हमसे पहले ही, और अभी जो है हम अभी निकल रहे हैं, हमारा रास्ता जो है वापसी बैग की तरफ जा रहे हैं हम।
वापसी टनलार की तरफ जा रहे हैं। ये आप देख तो सकते हो, हमारे साथी तो हमें छोड़ के चले गए, सबका मुंह उतरा हुआ है, भूख लगी है सबको। साला को भूख लगी है, यार बहुत तेज भूख लग रही है। ये हमारे साथ जो पीछे बैठे हुए ना, इन्होंने कहा था बोले दावत है आपके, आ जाओ। हम आ गए, दो गाड़ियां भर के तो आ गए, लेकिन इधर कह रहे बोले किसकी दावत, क्या हो गया। बोले मुझे भी ले चलो अपने साथ। मैंने कहा बोले मुझे भी ले चलो अपने साथ। मैंने कहा यार खुदा को मन तो सभा कोई पागल है। चलो इसी के साथ कोई मसला नहीं होता, रहता ना भूख लग गई है, चुपचाप बैठे नहीं तो खामोश नहीं है, खामोश देने वाले में से है ही नहीं थी। तो इसी के साथ दोस्तों अल्लाह हाफिज़, आज का हमारा व्लॉग जो है यहाँ पर ख़त्म होता है, क्योंकि हमने बिना खाने के जो है हम दावत में हाथ हो गए, लेकिन ये जो है ना साथी हमारे। तो इसी के साथ दोस्तों अल्लाह हाफिज़, आज का हमारा व्लॉग जो है यहाँ पर ख़त्म होता है, क्योंकि हमने बिना खाने के जो है हम दावत में हाथ हो गए, लेकिन ये जो है ना साथी हमारे। अभी हमें कह रहे थे कि भाई कोई दावत वावत नहीं, आप वापसी जाओ खाली पेट, और हमें भी लेके जाओ वापस। तो इसी के साथ हमारा व्लॉग ख़त्म होता है। माय चैनल बख्तुल्लाह खान।